हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं दीप्ति, गार्डनिंग में दीप्ति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जरबेरा का प्लांट जो है। ये देखिए दोस्तों, जरबेरा का प्लांट है, इसको मैं आज रिपोर्ट करूँगी और इसका केयर कैसे करते हैं इसके बारे में आज बहुत सारे टिप्स मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो प्लांट्स को रिपोर्ट करते हैं। तो ये जो प्लांटर है, इस प्लांटर में ये मेरा प्लांट था दोस्तों, मैंने इसको निकाल चुकी हूँ और बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने निकाली हूँ। वैसे ही आप प्लांट को प्लांटर से निकालिए। और मैंने यहाँ पर सॉइल भी ली हूँ दोस्तों, और इस सॉइल में मेरा है एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा कोकोपीट और एक हिस्सा बर्मी कंपोस्ट है। इसमें मैंने ये देखिए दोस्तों, सीवीड का कुछ ग्रैनुल्स को जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो मैंने ऐड की हूँ। नीम का खल 2 मुट्ठी ऐड की हूँ, सरसों की खल भी 2 मुट्ठी ऐड की हूँ। और दोस्तों मैंने इसमें सांप का फंजीसाइड भी ऐड की हुई। ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा सांप का फंजीसाइड है। ये सारे चीज़ों को मैंने मिक्स करके ये मेरा पॉटिंग मिक्स को तैयार की हूँ। तो आप भी जब भी पॉटिंग मिक्स तैयार करेंगे दोस्तों, इसमें सीवीड का ग्रैनुल ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि ये जरबेरा का एक ऐसा प्लांट है जिसको मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसमें आप NPK का जो बैलेंस्ड वाला फर्टिलाइज़र है उसको भी अगर आप स्प्रे करेंगे प्लांट में तो भी ये बहुत अच्छे से भी करता है, जल्दी जल्दी ग्रो भी करता है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होती है इस प्लांट में। तो इसके लिए मैंने जो प्लांटर चुनी हूँ दोस्तों, ये 10 इंच का मेरा प्लांटर है और इसमें मैंने इस प्लांट को लगाऊंगी। तो ये देखिए दोस्तों, इसका जो रूट है अच्छी तरीके से मतलब नीचे की ओर फैल गया है, तो मैं इसे और ज़्यादा नहीं छेड़ूंगी, डायरेक्ट मैंने ऐसे ही प्लांट को लगाऊंगी। और ये देखिए दोस्तों, ये क्राउन एरिया है। जब भी आप जरबेरा का जो प्लांट है इसको रिपोर्ट करेंगे, आप हमेशा कोशिश कीजिए कि मतलब क्राउन एरिया के बगल में ही प्लांट को जो है पानी देंगे। अगर पत्तों के ऊपर पानी गिरेगा तो इस प्लांट में फंगस लगने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो आप कोशिश कीजिए जैसे कि क्राउन एरिया के ऊपर ही पानी को मतलब साइड में ही पानी डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा प्लांट अभी लग चुकी है और प्लांट को मैंने कुछ इस तरीके से लगाई हूँ। और आप जब भी वाटरिंग करेंगे यहाँ पर इस बगल में ही करेंगे, और इसके ऊपर अगर प्लांट के ऊपर आप वाटरिंग कर देंगे तो पत्तों में फंगस लगने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ये प्लांट जो है इसको केयर ज़रूरत है, और बिना केयर का अगर हम इस प्लांट को रखेंगे तो मिलीबग इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगते हैं और प्लांट जो है ख़राब हो जाते हैं। मिलीबग जो है वो पत्तों के ऊपर लगने के मतलब इसी बीच में लगते हैं, इसके जो पत्तियां हैं इसके बीच में मिलीबग्स लगते हैं, फिर रूट के अंदर भी चले जाते हैं और सॉइल के अंदर भी चले जाते हैं, फिर धीरे धीरे प्लांट जो है हमारा बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो मिलीबग्स से प्लांट को बचाने के लिए और सारे फंगस से प्लांट को बचाने के लिए इसके ऊपर हमें पानी नहीं देना होगा, और यहाँ पर नीचे ही पानी, साइड में ही हम पानी देंगे। इसके अलावा दोस्तों, जितने भी सूखे पत्तियाँ हैं या फिर जिस जो पत्ता ख़राब हो चुका है वो सबको हमें हटा देना होगा। और दोस्तों, इस प्लांट को जो लोकेशन चाहिए, आप ब्राइट लोकेशन में रखेंगे, जहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर रखेंगे। गर्मी इस प्लांट को पसंद है, मॉइस्चर इस प्लांट को पसंद है, पर डायरेक्ट सनलाइट में अगर इस प्लांट को पूरा दिन रखेंगे तो प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, मुरझा जाएगा। जैसे ही आप नोटिस करेंगे दोस्तों कि पत्तियां बिल्कुल भी उलझ मतलब लटक गए हैं, इसका मतलब ये है इस प्लांट को पानी चाहिए और पानी अच्छे तरीके से देना होगा। एक बार अच्छे से पानी दीजिए, फिर ऊपर का सॉइल जैसे ही सूखने लगेगा मतलब मॉइस्चर थोड़ा बहुत होना चाहिए, तभी आप पानी डाल दीजिए दोस्तों। टेम्परेचर वैसे वेरी करता है हर जगह का, इसलिए हम कह नहीं सकते हैं कि 2 दिन में पानी चाहिए, 3 दिन में पानी चाहिए। अगर आपके यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आपके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इस प्लांट को पानी दीजिए, पर लगातार अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो प्लांट में फंगस लग जाएगा, रूट में फंगस लग जाएगा, प्लांट जो है ख़राब हो जाएगा। और प्लांट का साइज जितना बड़ा है आप उससे थोड़ा बड़ा ही प्लांटर हमेशा लीजिए, और जो डीप पॉट्स होते हैं वो आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो कर दीजिए, शैलो पॉट में ही इस प्लांट को लगाइए ताकि वाटर लॉगिंग मतलब लॉगिंग नहीं होगा, रूट भी डैमेज नहीं होगा, रूट भी ख़राब नहीं होगा। और दोस्तों, एक तो है पानी की बात हो गई और दूसरी है लोकेशन। तो लोकेशन 1-2 घंटे की धूप इसका सुबह का अलग मिल सकता है तो प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करेगा, उससे ज़्यादा धूप इस प्लांट को नहीं चाहिए, इस प्लांट जो है ख़राब हो जाएगा। और दोस्तों, फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करेंगे तो इस प्लांट में आप NPK का जो बैलेंस्ड वाला फर्टिलाइज़र होती है 19-19-19 या फिर 20-20-20, उसको आप
स्प्रे करते रहिए हर 3 दिन में, 4 दिन में एक बार, एक लीटर पानी में 1/4 बैलेंस्ड वाला फर्टिलाइज़र को मिक्स कीजिए एनपीके का, और उसको प्लांट के चारों तरफ बहुत ही अच्छे तरीके से स्प्रे कर दीजिए। और सीवीड का जो लिक्विड वाला फर्टिलाइज़र आती है दोस्तों, उस वो भी मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर है, उसको वो भी इस प्लांट को बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, जिसमें कि फ्लॉरिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है और बड़ा बड़ा साइज़ का फूल भी खिलता है। एक फूल खिलने के बाद 15-20 दिन तक रहता है, तो वो भी आप हफ्ते में एटलीस्ट 1 या 2 बार डालने की कोशिश कीजिए। अगर 2 बार 3 बार भी हो जाती है तो भी प्लांट ख़राब नहीं होगी, बल्कि अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आपके प्लांट में फूल नहीं आते हैं तो आप क्या करेंगे, पत्तियों मतलब ज़्यादा पत्तियां होंगे तो आप पत्तियों को कट कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट जो है सारा एनर्जी पत्तियों पर लगा देता है, फूल नहीं खिल पाता है। इसीलिए आप प्लांट का जो पत्तियाँ हैं उसको आप हटा सकते हैं, कुछ पत्तियों को काट कर निकाल सकते हैं। और आप इस प्लांट को नीम ऑयल हमेशा स्प्रे करते रहिए दोस्तों, हर हफ्ते नीम ऑयल स्प्रे करते रहिए। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम का ऑयल मिक्स करके उसमें विम लिक्विड शैम्पू या फिर थोड़ा सा शर्फ कुछ भी ऐड कीजिए और अच्छे तरीके से इसको स्प्रे कर दीजिए। इसमें कोई भी इंसेक्ट या फिर कोई भी कीड़ा वगैरह प्लांट को अटैक नहीं करेंगे, और बारिश से भी इस प्लांट को बचाइए दोस्तों। बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बारिश लगातार अगर गिरता रहेगा तो फंगस से भी प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो आप बारिश के पानी में बेशक रखिए, पर 1 दिन के बारिश या 2 दिन के बारिश के बाद आप इसको कोई भी मतलब जहाँ पर पानी नहीं पड़ेगा बारिश का, वैसे जगह पर रख दीजिए, ताकि प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करता रहेगा दोस्तों और फंगस भी नहीं लगेगा। तो ये थी जरबेरा प्लांट को कैसे रिपोर्ट करते हैं, इसको केयर कैसे करते हैं। इसका जो मेन जो फर्टिलाइजर 2 है वो है एनपीके, और जो बैलेंस वाला एनपीके, और दूसरा जो है वो है सीविड का जो मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला फर्टिलाइजर। सरसों का खल का जो पाउडर है दोस्तों, वो आप रिपोर्टिंग के टाइम दे सकते हैं, पर उसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है अगर उसको देंगे तो, कोई कोई लोग देते हैं प्लांट को मतलब आप अगर अच्छे से रख सकते हैं तो वो भी आप अप्लाई कीजिए, पर लिक्विड फर्टिलाइज़र से फंगस लगने का ज़्यादा चांसेस रहता है, इसलिए अगर हो सके तो उसको अवॉइड कीजिए दोस्तों। तो आज के लिए जरबेरा प्लांट का जो इन्फॉर्मेशन था मैंने दिया। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।